जब यहाँ पे सब लोग आए तो सबसे यही अपील की गई थी, शुरू में ये वाली चीज़ बता दी गई थी कि भाई जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है किसी के साथ हेट स्पीच नहीं करना है, उसके लिए बार बार बता दिया गया था और ऐसी हेट स्पीच एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए उनका खंडन भी कर दिया और वो जो गलत बयानबाजी कर रहे थे उनसे कहा शांत रहिए आप यहाँ नहीं बोलेंगे। दूसरा, यहाँ पे आने का एक विशेष मकसद ये था कि भाई अभी पंचायत हुई थी पीछे 13 तारीख को जो पौंडरी गांव में पलवल में, तो वहाँ पे सभी ने जो निर्णय लिए थे, समाज ने जो निर्णय लिए थे, सभी जो इकट्ठे हुए थे तो उन सब ने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी ये वाली बात दिल्ली तक जाए, इसलिए जंतर मंतर पे भी हम लोगों को चलना चाहिए। जो उस पंचायत के निर्णय थे वो सब आपको मालूम है, वो पंचायत के निर्णय सरकार तक पहुँचे। दूसरा ये है कि उन सब ने एक विशेष निवेदन किया था वहाँ पे जितने भी लोग थे कि भाई जैसी घटना ये हुई है, भाई लोगों को लगभग 5-6 घंटे बंधक बनाया गया है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है देश, और उसके बाद हम लोग ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि गोलियां चल रही हैं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ऐसी घटना किसी के साथ भी कहीं ना हो, ये देश की जो राजधानी में बैठे उनको कहा जाए कि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जिसके लिए 5-7 दिन पहले सारी प्लानिंग चल रही थी उसके बाद सरकार क्यों फेल हुई, जिस जिसकी गलती थी वो सब दोषी हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो शासन में, प्रशासन में या समाज में है।